बालाघाट अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया 8 मई को 2 दिवसीय प्रवास पर बालाघाट पहुंचे। हिंदुत्व शंखनाद धर्म परिवर्तन पर रोक, सिर्फ सनातन धर्म पर हुई चर्चा। अपने 2 दिवसीय प्रवास के पहले दिन 8 मई को शाम कमला नेहरू प्रेक्षागृह में आयोजित हिंदू साथी सम्मेलन सभा को संबोधित कर रहे डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का पूरा संबोधन हिंदू विषय पर रहा। वहीं बालाघाट जिला अध्यक्ष मिलिंद ठाकरे, मंत्री धनेंद्र महानंद, एडवोकेट फोरम जिला अध्यक्ष राजेश पाठक, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र खरे, तरुण हरिनखेरे, गज्जू ठाकुर, हिम्मत बसेने, श्रीमती स्नेहा गुप्ता, मधु गजभिये, मेघा ठाकरे सहित अन्य पदाधिकारियों ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आज अपने ही देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। आज हमारी संख्या निरंतर घट रही है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने संकल्प लिया है कि हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, गरीब मुक्त हिंदू, रोजगार मुक्त हिंदू, कर्ज मुक्त किसान, महंगाई मुक्त गृहिणी को पूरा करेंगे। 2 दिवसीय प्रवास के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया आज 9 मई को अपने पदाधिकारी के परिवार से मिलने बाइहार रोड स्थित यूनिवर्सला अलाइनमेंट प्रोपरेटर देवेंद्र खरे की निज निवास अपने दल बल के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने खरे परिवार से मिलकर चर्चा किया। बालाघाट जिले से कृष्ण कुमार लिल्हारे की रिपोर्ट। आगे उद्देश्य को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल शुरू किया है। पहले में जिस संगठन में था, वह संगठन का प्रमुख लक्ष्य राम मंदिर बनाना था। मैं ही राम मंदिर बनाने की मांग से लेकर बनाने तक जुड़ा रहा, तो राम मंदिर तो बन गया। आगे क्या, राम के बेटे बेटी हिंदुओं की अच्छा घर मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले, उसका नाम हिंदू ही आगे है। इसलिए हिंदू ही आगे एक नया कदम है, नए कदम के लिए नया संगठन।